नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 25 अप्रैल सुबह 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। जेडीए प्रशासन ने अब सोशल डिस्टेंस की पालना पर फोकस कर दिया है। जेडीए ने सोशल डिस्टेंस के बाद अब क्वारंटाइन सेंटर्स में सोशल डिस्टेंस की पालना करवाई जाएगी। इसके लिए जेडीए प्रशासन की ओर से 3 प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त किए हैं। वहीं जेडीए आयुक्त टी रविकांत और मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने अजमेर रोड पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स और आने वाले दिनों में बनाए जाने वाले क्वारंटाइन सेंटर्स पर सुरक्षा व्यवस्था, सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए प्रवर्तन अधिकारी लगाए हैं। जोधपुर शहर में जारी लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद रहने के बावजूद इसकी तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। जिला आबकारी विभाग ने बांसनी ट्रांसपोर्ट चौराहा पर स्थित एक दुकान पर छापा मारकर वहां से 34 कार्टन अवैध शराब व बियर को जब्त किया। इसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि बांसनी ट्रांसपोर्ट चौराहा के पास में एक दुकान पर दबिश दी गई। दुकानदार सालावास मेन रोड निवासी चेनाराम पुत्र जयराम को पकड़ा गया। दुकान में 34 कार्टन अवैध के मिले और जिनमें 22 कार्टन बियर व 12 कार्टन अंग्रेजी शराब के थे। कोटा की अकोदिया ग्राम पंचायत के गणेशपुरा गांव के पास खेत से भूसा लेकर गांव आते समय ट्रैक्टर पलटकर नहर में चला गया। इस घटना में 12 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई। थाना अधिकारी इस्लाम अली ने बताया कि क्षेत्र के गणेशपुरा गांव निवासी शंभुदयाल पुत्र बद्रीलाल किरार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके भाई के ट्रैक्टर ट्राली में रात 8:30 बजे खेत से भूसा लेकर गांव आ रहे थे। गांव से पहले मोड़ पर संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर नहर में पलट गया, जिससे कपिल किरार ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बीकानेर के नोखा अंचल के सिसिरिता गांव में खेत में आग लगने से किसानों की लाखों रुपए की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसमें एक दर्जन से अधिक किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अब उनके सामने जीविकोपार्जन की समस्या आ गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने अधिकारी को दी तो नोखा से अग्निशमक दल गांव पहुंचा। अग्निशमक दल के साथ ग्रामीणों ने मोटर चालू करके पानी डालकर आग पर काबू पाया। इसमें अनिल मिश्रा की 13 बिगे, प्रभावती कुंवर, सुमित दुबे, जितेंद्र दुबे, भुवनेश्वर दुबे, नरेंद्र दुबे की 6 बिगा, शहरी दुबे, विश्वनाथ दुबे, ओम प्रकाश मिश्र, ददन प्रसाद, रामदेव दुबे, श्यामा नारायण दुबे, ब्रिज बिहारी चौबे, भगत राम, भोला राम, प्रमोद नारायण मिश्र, धीरज ठाकुर सहित अन्य किसान की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जोधपुर के बालेश्वर में कोरोना वायरस के संक्रमण के लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार के निर्देशानुसार बिना मास्क लगाए सड़क पर घूमने वालों और तंबाकू उत्पाद बेचने एवं कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस एवं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 50 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सभी लोगों पर 100-100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं गुटखा और तंबाकू की सामग्री को जलाकर नष्ट करवाया गया। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के संकट में बाल विवाह रोकने की चुनौती भी सामने आ गई है। राजस्थान में अक्षय तृतीया या इसके आसपास के समय में बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। इस बार हालांकि कोरोना संक्रमण का डर गांवों में भी दिख रहा है, इसलिए ऐसी कोई सूचना अभी तक सरकार के पास नहीं है, लेकिन आशंका बनी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सभी कलेक्टरों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हुए हैं। इस बार अक्षय तृतीया 26 अप्रैल रविवार को है। राजस्थान में अक्सर सामूहिक विवाहों की आड़ में बाल विवाह किए जाते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।